हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुलिस ने गुरुवार रात्रि को एसडीएम कार्यालय के सामने स्थित एसबीआई एटीएम मशीन को तोड़कर रुपए निकालते एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एटीएम से चुराए 86,000 रुपए नगद व औजार बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार रात्रि करीब 11:30 बजे एक राहगीर द्वारा एटीएम मशीन में तोड़फोड़ व आधा घंटा शटर बंद होने की सूचना पर पुलिस निरीक्षक दूलीचंद गुज्जर के नेतृत्व में एसआई जगत सिंह, एएसआई पुनमाराम विश्रोही, हेड कांस्टेबल खसाराम मीणा, भवनलाल विश्रोही, कांस्टेबल दिनेश कुमार, प्रकाश कुमार, श्रवण कुमार व पुनमाराम में टीम तत्काल एटीएम केंद्र के पास पहुंचे, जहां एटीएम केंद्र का आधा शटर बंद था। एटीएम के अंदर स्थानीय करड़ा 4 रास्ता स्थित रेबारियों की दाणी 8वाड़ा वास निवासी मालाराम उम्र 38 पुत्र पीराराम देवासी एटीएम मशीन को खोलकर नगद रुपए निकालता पाया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 86,000 रुपए नगद, तार काटने का यंत्र व मशीन खोलने का पेशकश पाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा भी घटना स्थल पर पहुंची। थानाधिकारी दूलीचंद गुज्जर ने बताया कि एसबीआई शाखा प्रबंधक गंगा विशर रेंगर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर नगदी व एटीएम खोलने के यंत्र को जब्त किए गए। घटना को अंजाम देने वाले पूर्व आरोपी ने एटीएम केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कागज चिपका दिया था। शुक्रवार को एफएसएल टीम ने घटनास्थल पहुंचकर साक्ष्य जुटाए गए। जागरूक टीवी के भिनमार से परबत सिंह राव की रिपोर्ट।